हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी को। सो बहुत दिनों के बाद में वीडियो शूट करने बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं एक यूट्यूब के लिए भी वीडियो शूट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे लाइव आके बातें कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं मतलब दिमाग में तो रहता है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स भी आते रहते हैं ना, तो पढ़ते तो दिमाग फिर उधर चला जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मुझे जो अपनी बातें रखनी है मैं इस वीडियो के थ्रू ही रखूँ। सो बाय द वे, ये लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चूड़ा देखो, रंग बिरंगे चूड़े। इसमें मैं ना सोच रही थी कि पिंक और रेड एंड वाइट, वाइट भी है मेरे पास, तो तीनों कलर ऐड करके सोच रही थी, बट नहीं, अभी नेक्स्ट बार मैं जब बनाऊंगी तो देखूंगी। फिलहाल के लिए यहीं तक सही लग रहा है मुझे। चलो, मैं बहुत टाइम से अपने बारे में ये बताना चाह रही थी कि मैं बहुत ही अकेले रहती हूँ, अकेले रहना पसंद करती हूँ। अब पता नहीं क्यों ऐसा, पहले नहीं था पर अब मुझे मतलब कि जैसे जैसे ज़िंदगी समझ में आ रही है वैसे वैसे मैं लोगों से बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हो गई हूँ। मेरी कोई भी दोस्त, शायद ही मैं किसी से बात करती हूँ, मतलब करती भी हूँ तो बहुत एक ही दोस्त है जिससे मैं बात करती हूँ, वो भी मुझे लगता है महीनों बीत जाते हैं तो कॉल आता है तो मैं बात कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से, चाहे अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी बात करूँ। तो अजीब सा यानी क्या दिमाग में आ गया है मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लोगों के पास जाने से डर नहीं लगता, मतलब अंदर से मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे मिले या फिर मैं किसी से मिलूं, बातें करूं। मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों ये ऐसा मेरे अंदर आ गया है दिमाग में। मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। मैं किसी से क्लोज़ भी नहीं हूँ, मतलब सच बताओ तो मैं किसी से भी क्लोज़ नहीं हूँ। ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी हर बातें शेयर करूँ। हाँ, बहन है पर बहन से भी मैं उतनी क्लोज मतलब बहन से हर कोई होता है ऑब्वियसली, इसमें कुछ वो नहीं है कि नहीं होता है, ना कहने वाली बात ही नहीं है, हर कोई होता है अपनी बहन से क्लोज। वो सारी बात बताती है मुझे पर मैं उतनी ही बता पाती हूँ उसको जितना बताना होता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाती। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे बारे में जाने, ऐसा दिमाग में आना मुझे नहीं समझ में आना क्यों ऐसा चल रहा है, ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में ऐसे क्यों क्रिएट हो रहे हैं। और एक और बात कहनी थी मुझे, मैं वीडियो भी इसी वजह से बना रही क्योंकि मैं, हो सकता है कि यहाँ पे 20 लोग बैठे हो तो मैं ना बोल पाती, पर यहाँ पे सिर्फ मेरा मोबाइल है और कोई भी नहीं है, तो मेरी जो भी बातें हैं रिकॉर्ड होना है और लोगों को देखना है, मतलब मैं किसी को देख नहीं सकती, किसी के सामने मुझे नहीं बोलना पड़ा, इस वजह से मैं ये बातें बोल रही हूँ। मतलब कि मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ कि ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, क्या है यार, कुछ नहीं है। आपका शरीर अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। आपके पास पैसे हैं, ऑब्वियसली पैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब तो मुझे लगता है उसकी लाइफ एकदम नरक से भी गई गुजरी होगी, क्योंकि एटलीस्ट नरक में एक ज़िंदगी होती होगी, है ना, गंदी वाली ही। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी स्टोरी मत ही सुनना,
अच्छे मजबूत दिल के हो तो सुन पाओगे तो सुन लेना, नहीं तो मैं तो नहीं सुन पाती हूँ। मैं बहुत जल्दी ये सब बातें मेरे दिमाग पे चलने लगती है। पहले मैं बहुत डरती थी, मतलब कि मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे पहनूँगी तो लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। पर अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सोचूँ मैं कि वो क्या कहेंगे, वो दे रहे हैं क्या? कुछ भी, चाहे मुझे पहनने को, खाने को, पीने को, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो भाई जो दे नहीं रहा है उसके बारे में इतना क्यों सोचना, उसी के बारे में सोचो जहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तब से मैंने ये चीज़ दिमाग से मेरे बिल्कुल निकल गया कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बीमारियों का कारण होता है। आप जितना सोचोगे, जितना इसके बारे में सोचोगे, उतनी आप बीमार होते जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप खुल के जियो। और एक बात है कि अकेली वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है और ना ही आपके पास कोई, मतलब आपको किसी की बात सुननी होती है। तो ये बातें बहुत ही अच्छी बात है। मैं बचपन से मुझे कुछ मिला नहीं। अब आप सोच रहे हो यार इसके पास क्या कमी है, सबको यही बोलते इसके पास क्या कमी है, इसके पास क्या कमी है। तो कमी देखो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी होती है। तो देखने के लिए है, मेरे पास अच्छे घर दिख रहा होगा, कपड़े दिखते होंगे, मेरा मेकअप दिखता होगा, ज्वेलरी दिखता होगा, बेशक मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ हूँ तो ऑब्वियसली कमी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे बताऊँ, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। सभी कोई अपनी लाइफ का जो प्रॉब्लम है, चाहे जो भी बातें हैं, हर एक बात नहीं बताया करते, उतने ही बताते हैं जितने ज़रूरी समझते हैं। तो मैं अभी उतना नहीं समझती हूँ कि बताने लायक है। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैं कैसा अपना लाइफ स्टाइल सोचती थी, अब मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी है और क्या मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। खैर मुझे शिकायत तो किसी चीज़ से नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। शायद ये मेरी क्या बोलते हैं आप, कर्मों का फल सोच लो या फिर जो भी सोचना सोच सकते हो, मैं तो यही सोचती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला तो मेरी पढ़ाई के बारे में बोलूँगी, क्योंकि मुझे बाहर हमेशा से सोची थी मुझे बाहर, जैसे लोग पहले टाइम में बाहर जाते, पहले टाइम में क्या, खैर अभी भी जाते ही हैं, बाहर जाते हैं लोग, इंदौर, भोपाल, दिल्ली वगैरह, जहाँ जिसको जो हम जहाँ मन करे 12th के बाद जाते हैं। तो फर्स्ट तो वहाँ पर मेरा ब्रेक लगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स उतना सपोर्टिव है भी नहीं, मतलब झूठ क्यों बोलूँगी, शुरू से उतना नहीं सपोर्टिव है। क्योंकि हमेशा हम लोगों को इस बात के लिए डराया जाता था कि अगर तुम फेल हो गई, लाइक मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी तब से, मुझे अच्छे से याद नहीं है पर ये बात हमेशा याद रहती थी कि अगर धमकी मिलती, धमकी भी नहीं बोलूँगी, मतलब इसी तरह डराते थे कि पढ़ती नहीं है ना, बोलेंगे तो मतलब पढ़े। तो हाँ क्या बोल रही थी कि हाँ अगर फेल हो जाओगी तो फिर उसी साल तुम्हारी पढ़ाई बंद और शादी। शादी के नाम से इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि बस शादी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करना है मतलब पढ़ाई करना है। तो बस वो इतना डर लगता था कि मत पूछो। तो जैसे तैसे मतलब 10th भी मैंने बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया, लाइक 78%
आया था मेरा 10th क्लास में, एंड उसके बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने 12th भी पास आउट किया। और जब मेरा मन था बाहर जाके पढ़ने का तो मेरे घर वाले नहीं तैयार थे कि मैं आगे पढ़ूँ, मतलब मैं ग्रेजुएशन करूँ, वो लोग नहीं चाहते थे। और मुझे शादी से बहुत डर लगता था, बहुत, मतलब कोई उस टाइम बोलता तो लगता था जहर खा लो, शादी मत करो, पता नहीं क्यों, नहीं शादी नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था ये बात बहुत अच्छे से कि शादी होने के बाद जो है ज़िंदगी वो और नरक हो जाती है। जो आपकी अभी की ज़िंदगी है, जो शादी से पहले की ज़िंदगी, वो अच्छी होती है, शादी के बाद कभी अच्छी नहीं रहती है। फिर जैसे तैसे घर वाले माने भी तो मैं बाहर तो नहीं जा पाई, जहाँ मैं रहती थी वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सो ग्रेजुएशन में भी मैंने वहाँ से अपना स्ट्रीम चेंज करके कंप्यूटर साइंस, आई थिंक बी कॉम की जगह मैंने BCA कर लिया। और लास्ट ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ BSc, तो फिर शादी के लिए प्रेशर, ठीक है क्या करना है। फिर मैंने आइडिया लगाया कि अगर मैं कुछ वहीं पे रह के कुछ भी छोटा मोटा जॉब करूँगी तो शायद घर वाले शादी के लिए नहीं बोले। तो फिर मैंने वहीं पे स्कूल था वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया, और वहीं से मैंने अपना फिर जो है पढ़ाई मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया। कॉलेज के बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक स्टोरी नहीं बताई, मुझे आगे पढ़ना था MCA के लिए। तो उस समय MCA के लिए आई थिंक 6 लाख या 7 लाख इस तरह का कुछ पड़ रहा था। तो हमेशा की तरह घर वाले सपोर्ट नहीं किए, तो फिर दूसरा रास्ता फिर मेरे पास वही था, शादी तो करना नहीं था, क्योंकि एकदम पता नहीं, मैं बोली ना बचपन से मुझे नहीं करना था, मुझे कुछ अलग करना था पर कोई करने नहीं देता था। मतलब मैं एक बहुत बंदिश में रहती थी, घर वाले इतने कंट्रोल कंट्रोल भी, मतलब ऐसा माहौल था ना, कंट्रोल नहीं करते थे, मतलब कि ऐसा माहौल ही उन लोग का ऐसा था कि बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के नहीं थे, बहुत ही जैसे कि बाहर नहीं जाना है लड़कियों को, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कपड़े नहीं पहनना, जींस के नहीं, मतलब इस तरह का था। तो फिर क्या बोल रही थी मैं, हाँ MCA का भी जब सपना टूटा तो उसके बाद मैंने वही टीचिंग का काम कर रही थी मैं, आई थिंक 2013, हाँ 13 में मैंने स्टार्ट किया, और मैंने 14 तक ही किया। मैंने ज़्यादा शायद टीचिंग कभी नहीं किया, क्योंकि टीचिंग में भी बहुत लफड़ा था। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे भी इतने ज़्यादा कि आप अगर एक दिन भी आते मतलब आते नहीं थे, मतलब नहीं जाते थे, तो उस दिन का वो पूरा फीस काट लेते थे, एक दिन का मतलब पैसा काट लेते थे। इस टाइप का स्कूल था, मतलब क्या ही बताऊँ। तो फिर भी मैंने किया जैसे तैसे, वो भी 1 साल किया, बट उससे ज़्यादा अच्छा मेरा इनकम ना ट्यूशन से होने लगा, क्योंकि अगर आप ट्यूशन 2-3 घंटा भी दे रहे हो, 10-15 भी बच्चे आ रहे, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, जितना आपको स्कूल से नहीं मिलता। तो मतलब कि मेरे पास जब पैसे आने लगे तो भाई चलो, हर किसी को शौक़ होता है कि मैं अपने शौक़ ही शौक़ पूरे करूँ, वो ये वो, मतलब कि हर तरह की मैं फिर अपने शौक़ पूरे करने लगे। अपने शौक़ मतलब वही था छोटा सा कपड़े का, हर तरह का कपड़ा खरीदती थी, सैंडल जो मन में आता था वैसा खरीद, खर्चे तो थे नहीं, कुछ भी खर्चे नहीं थे। फिर उसके बाद 2014 में